वेलकम बैक। बात हो रही है इस वक्त मुल्क भर में सियासी दर्जा हरारत अरूज पे है। कराची कल आपने देखा पीएसपी ने जलसा किया, और गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त चूंकि इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में तमाम सियासी बड़ी सियासी जमातें इस वक्त उनकी लीडरशिप वहाँ पे मौजूद है। इस्लामाबाद इसलिए ज़्यादा मुतहरिक है कि वहाँ पीडीएम इत्तेहाद के हवाले से बातें हो रही हैं, नया नया मिसाक साइन होने जा रहा है, एजेंडा तय नहीं कर पा रही हैं आपकी जो पीडीएम की जमातें हैं, उनमें कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। इत्तेहाद बेसिकली बना था हुकूमत गिराने के लिए, लेकिन उससे पहले ही हम देख रहे हैं कि पीडीएम इत्तेहाद में दरारें पड़ती हुई नज़र आ रही हैं। इसकी क्या वजह है? बिलावल भुट्टो साहब का जो इंटरव्यू था उसने भी बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। अब हुकूमत जो है वो और ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, फ्रंट फूट पे खेल रही है। और दूसरी तरफ ओपोजिशन मरियम नवाज़ तनकीद कर रही हैं हुकूमत पे, बिलावल तनकीद कर रहे हैं, और कबल इस वक्त अभी इलेक्शन 15 नवंबर को होंगे गिलगित बल्तिस्तान में, लेकिन पहले ही धांधली के इल्ज़ाम लगना शुरू हो गए हैं। अमेरिकन इलेक्शंस धांधली से बाहर निकले नहीं थे कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पे भी धांधली का इल्ज़ाम लग रहा है। डॉक्टर साहब, आप वहाँ इस दफ़ा मेरे ख्याल में आपके कुछ ही कैंडिडेट्स हैं जो जीबी में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो गिलगित बल्तिस्तान में भी पाकिस्तान ही की सियासत हो रही है, पीडीएम की सियासत हो रही है। वहाँ पे भी गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं उनके मसाइल उन वो कराची से भी ज़्यादा महरूमी है उनकी, उन पर कोई भी बात नहीं कर रहा। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है और मैं ये आपसे एग्री करती हूँ, लेकिन इससे पहले एक चीज़ की जी वजाहत कर दूँ कि मरियम साहिबा ने जब बलूचिस्तान में जाके जिस तरह की स्पीच की और जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की, मिसिंग पर्सन की मैं लाजमी बात करूँगी। बिल्कुल मिसिंग पर्सन एक बहुत सेंसिटिव इशू है हमारे मुल्क के लिए, ठीक और वहाँ उन्होंने उनकी मिसिंग पर्सन की फैमिलीज को खड़ा होकर जो कि शेम शेम के नारे लगवाए। ठीक तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी कल अपने जलसे में ये बात की कि आप सोचें कि उन लोगों वो जहाँ भी हैं ठीक है उनकी वो रात बहुत मुश्किल से गुजरी होगी। तो कम से कम आप इतने ज़्यादा उसमें ना चले जाएं अपनी सीटों को ठीक बचाने के है, लिए, अपनी करप्शन को रेड लाइन बचाने क्रॉस के ना लिए, करें, तो सही डोंट क्रॉस द रेड लाइन, ठीक है एक चीज़। दूसरी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं कि दो दरारें पड़ रही हैं, असल में ये है कि ये सारी जमातें अपनी स्किन को सेव कर रही हैं। ठीक है इनको किसी इन दोनों से आपस में या किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी एक टॉक शो में ये बात पहले ही कर चुकी थी जी कि कुछ अर्सा ये साथ चलने के बाद इनमें जी जी दरारें ज़रूर पड़ेंगी, क्योंकि बेसिकली ये एक दूसरे के की ज़िद हैं और इनका ये जो है एक दूसरे के साथ नहीं होंगे। दूसरा, गिलगित बल्किस्तान की हम बात करते हैं, हम वहाँ की महरूमी की बात कर रहे हैं। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो वहाँ जाके कह रहे हैं कि हम, बिलावल साहब ने भी कहा कि हम जो है यहाँ दूध की नहरें बहा देंगे। बात सिर्फ ये है कि जिस एरिया में, जिन एरियाज़ में आपने इतना अरसा, इतने साल लगा दिए और आपने हुकूमतें की हैं, वहाँ क्या है? ठीक वहाँ तो मैं तो सिर्फ सिंध की बात करूँगी कि सिंध में वैक्सीन मौजूद नहीं है कुत्ते के काटने की, तो इससे ज़्यादा और शर्म की और अफसोस की की क्या बात क्या हो बात क्या सकती हो है। ठीक है, सकती इस पे है? मज़ीद बात करेंगे। डॉक्टर निसार चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप सीनियर रहनुमा हैं, मुस्लिम लीग नून के MNA हैं। बहुत शुक्रिया आपने डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त दिया। पीडीएम इत्तेहाद में हुकूमत ये कह रही है कि आपका अभी जनवरी में आपने कहा था कि हुकूमत घर चली जाएगी, उससे पहले ही पीडीएम में दरारें पड़ गई हैं, आप एक पेज पे नहीं हैं, अब दोबारा एक नया मिसाक साइन होने जा रहा है, एजेंडा तय नहीं पा रहा, क्या इश्यूज़ हैं पीडीएम के साथ? देखिए, एजेंडा भी तयशुदा है, टारगेट बिल्कुल वाजे है। पीडीएम में जैसा शामिल तमाम जमातें जो इस बात पे मुत्तफिक हैं, यकसू हैं कि यहाँ पे कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए और दस्तूर जो है, आइन जो है, उसकी बारदस्ती होनी चाहिए। या और ये इस पर भी सबका इतफाक है कि ये हुकूमत जो है ये सिलेक्टेड है और ये इसको घर जाना चाहिए। ये वोट चोरी करके आई है, आवाम का मैंडेट लेके नहीं आई, जी इसको सिलेक्ट किया गया है और सिलेक्टर ने इनको हम पे इम्पोज कर दिया है कौम के ऊपर। तो ये बुनियादी चीजें हैं और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं है। बाकी छोटे मोटे देखें, बड़ी जमातें हैं और 11 जमातें हैं, छोटा मोटा कोई इख्तलाफ हो भी सकता है, पार्टियों के अंदर भी होता है, घरों के अंदर भी होता है, लेकिन और नए अमल के बारे में, स्ट्रेटेजी के हमारे हवाले से, उसमें तब्दीली के हवाले से 100 छोटे मोटे इख्तलाफ हो सकते हैं, वो तय भी हो जाते हैं, लेकिन असल मसला होता है कि क्या टारगेट के बारे में, असल मंजिल जो है उसके बारे में, ऑब्जेक्टिव के बारे में यकसुई है कि नहीं है। बिल्कुल और वो ठीक कह मैं रहे हैं आपको डॉक्टर यकीन साहब, दिलाता आपका हूँ कि आप मुकम्मल यकसुई। जी 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 डॉक्टर साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इख्तलाफात होते हैं और इख्तलाफात ही जमहूरियत का हुस्न है।
लेकिन हमने भी देखा, हम भी जलसे कवर करते हैं, आप माशाल्लाह बहुत सीनियर हैं, आप इस मुल्क में सियासत करते हैं, लेकिन पहले जलसे से लेकर पीडीएम के अभी तक जितने जलसे हुए हैं, हर जलसे में पूरी पीडीएम क़यादत की बॉडी लैंग्वेज हमें बिल्कुल अलग नज़र आई है। गुजरांवाला आप जारखाना थे, कराची में आप बिल्कुल बैग पे चले गए, फिर कोयटा में आपका जो पीडीएम का जो रवैया था वो बिल्कुल थोड़ा सा रेड लाइन क्रॉस हुई और उस पर भी बड़ी तनकीद हुई, लेकिन अभी जब कल आपकी जो इजलास हुआ और उसमें भी जरदारी साहब की जो गुफ्तगू है वो अपने आपके सामने है, फिर इसमें कहा जा रहा है कि हुकूमत से डायलॉग्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ों पर इख्तलाफात हैं। हुकूमत ये कह रही है कि बज़ाहिर आप जनवरी तक तो आपका इत्तेहाद ही कायम नहीं रहेगा, हमारी हुकूमत तो दूर की बात है, आप इत्तेहाद रखेंगे, आप प्रेशर बिल्ड करेंगे तो हमारी हुकूमत गिरा पाएंगे। ये देखें, इनको हमारी फिक्र करने की बजाय इनको अपनी अपने करतूतों की फिक्र करनी चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस की फिक्र करनी चाहिए। आवाम का जीना इन्होंने वाकई मुश्किल कर दिया है। आपके सामने नहीं है कि क्या हर चीज की कीमत जो है वो किस तरह आसमान पर बातें कर रही है, किस तरह ये है कि आवाम का जीना इन्होंने मुश्किल कर दिया है। हर चीज़ देखें, बिजली, गैस, पेट्रोल देखें, और ये है कि शायद खुर्दनोश देखें, चीनी देखें, आटा देखें, ये आवाम की पौन सी बाहर हो गई हैं सारी कीमतें, सारी चीज़ें जो है। अब ये है कि इनको चाहिए कि ये अपोजिशन के साथ जो चाहे करते रहें, लेकिन मेहरबानी करके थोड़ा सा वक्त निकाल लें आवाम के लिए, आवाम को रिलीफ दें। आवाम की जितनी इन्होंने बदवाएँ दी हैं हमारी 70-72 साल तारीख में किसी हुकूमत ने नहीं दी, कोई हुकूमत इतनी जल्दी डिस्क्रेडिट नहीं हुई, बदनाम नहीं हुई जितनी जल्दी ये हुई है। और देख लीजिएगा आइंदा इलेक्शन में आवाम ने इनको सबक सिखा देना है। अच्छा डॉक्टर साहब लाइन पे रहिएगा, हमारे साथ स्टूडियो में मिर्ज़ा आलम बेग साहब सीनियर सीनियर तजियाकार हैं, और उनके साथ डॉक्टर फौजिया अमीर साहब सीनियर रहनमा पीएसपी की तशरीफ रखती हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं। बेग साहब, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर निसार चीमा साहब की, वो ये कह रहे हैं कि आवाम महंगाई से तंग हैं, इस हुकूमत को वैसे ही घर भेज देंगे। दूसरी तरफ पीडीएम इत्तेहाद की जब हम पहले भी बात कर रहे थे, इत्तेहाद आपको लग रहा है कि चल पाएगा जनवरी तक, जिस तरह हुकूमत भी कह रही है कि ये हमें तो अभी से नज़र आ रहे हैं अलग अलग पेज पे, तो अब तो बुक ही नहीं मिल रही, किस बुक पे हैं ये? ज़फ़ीर, मैं थोड़ा सा इशारे में कहूँगा जी कि कसूरवार हैं सब, एतराफ़ कौन करे, सज़ा का फ़ैसला अपने ख़िलाफ़ कौन करे। बड़े खलूस से मिलते हैं आपस में बाज़ार ये पीडीएम वाले, किसके दिल में क्या है, इंकशाफ कौन। अरे वाह वाह वाह, ये कि इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर ये पीडीएम वाले बिलखसूस नून लीग वाले जो ये बात कह रहे हैं कि जनाब खान साहब की हुकूमत में जो गिरानी है बहुत ऊपर चली गई, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है, आवाम बहुत इस वक्त जो है मसाइल का दोचार है, तो ऐसे मैं समझता हूँ पीडीएम वालों को तो बैकफुट पे खेलना चाहिए। सही, उनको आवाम के रहमोक्रम पे छोड़ते हैं इस हुकूमत को। हाँ। और कहें कर लो जो करते हैं, तो मैं समझता हूँ साल ये कर रहे हैं जो कोशिश कर रहे हैं इस आवाम को दूसरे मसाइल में उलझा कर पीडीएम वजूद में ला कर, मैं समझता हूँ उसको कांधा दे रहे हैं, उसकी हुकूमत को बढ़ा रहे हैं। अगर इसको ये इनके रहन पे छोड़ देना, यकीन करें आवाम खुद फैसला कर देगी, और फैसला दिनों में हो जाएगा, क्योंकि हकीकत है आवाम कब तक बर्दाश्त करेगी। आवाम जब इनको कंधों पे बिठा के लाई थी उस वक्त, मैंने आपको जैसे पहले भी कहा था अपने प्रोग्राम में कि वाहिद जमात है जिसने लोगों को ख्वाब नहीं दिखाए थे, ताबीरें दी थी, और उस ताबीर का अगर देखें तो हर ताबीर उल्टी हो रही है। और इसमें इस वक्त जो सूरत हाल है पीडीएम के हवाले से, रोज आने नया बयानिया आ रहा है, और वही आपके बकौल की हर बयानिया मुख्तलिफ है। इस वक्त मैं समझता हूँ पूरी पीडीएम में सबसे सेफ और तरीके से वो खेल रहे हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब खेल रहे हैं। सही। और ये उनका चूंकि तजुर्बा भी है और वो समझते भी हैं कि इस मुल्क में अगर आपने सियासत करनी है तो दो बहुत अहम फैक्टर्स हैं, एक आवाम और दूसरे वो इदारे जिनको बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि जनाब वो सियासी अमल दखल में बड़ा अपना रोल अदा करते हैं, वो इस वक्त दोनों के सामने बहुत बैकफुट पे है और दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। तो आपको लग रहा है पीपी को एनआरओ मिला हुआ है इस वजह से? जरा देखिए, मैं तो प्रेडिक्शन एनआरओ कह रहा हूं उसको, मैं समझता हूं सब जीबी के अंदर आइंदा आने वाली हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। अब आप इसको तोहफा समझें या उनकी जीत समझें, ये आने वाला वक्त बता देगा। और इस वक्त अगर इनको वाकई मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जंग लड़नी थी सियासी तौर पे, तो ये आज जीबी के अंदर जाके आपस में क्यों बट गए? सही, ये वोट अपने खुद काट रहे हैं। अच्छा, अगर ये आपस में एक पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अपने कैंडिडेट खड़ा करते, ठीक है ना, वो जो जमातें में हिस्सा ले रही है सही, वो बिल मुकाबले उसके खड़ा करते, तो मैं समझता हूँ ना सिर्फ उनको सीटें मिलती बल्कि वो आवामी सतह पर पजीरा ही मिलती। सही, जलसे की तादाद देखे देखे ना आप फैसला कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ। वोट वो एक करीब लोग हैं बेचारे, आज वहाँ सुबह की बातें करके उनको सुनहरे ख्वाब दिखा रहे हैं। पीटीआई की हुकूमत की तरफ से माशाल्लाह 100% मेडिकल फ्री कर दिया गया, ठीक है, जो फी का 7,80,000 रुपया आ रहा है। सही यार, एक तरफ मुल्क भूखा मर रहा है, सही, पूरा मुल्क भूखा मर रहा है, वहां अरबों करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट बाजार दिखा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ही कहूंगा ना, ये इलेक्शन जीतने की तैयारियां मेरे भाई, ये वही हाल है जो इस
जब कराची को या पाकिस्तान को फतह करते हुए उनको ताबीरें दिखाई गई थी, हर मसले का हल बताया गया था। तो मैं समझता हूँ पीडीएम वाले अगर वाकई सियासी मुदब्बिर हैं, देखिए मैं तो ये बात कहूँगी कि ये जो हुकूमत की और अपोजिशन की जो लड़ाई है इसमें अवाम कहाँ है। अवाम की जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो तो नहीं ठीक हो रही, वो तो बेहतर नहीं हो रही, वो बद से बदतरीन हो रही है। इस सिस्टम के तहत अगर बिलफर्ज एक लम्हे के लिए हम ये सोच लें कि गवर्नमेंट गिर जाती है, उसको गिराने में कामयाब हो जाते हैं और दूसरी जो गवर्नमेंट आएगी वो भी इसी सिस्टम से आएगी, तब भी आपकी करप्शन इसी तरह होगी और तब भी तमाम मामला ऐसे ही रहेंगे। मैं ये समझती हूँ कि सबसे पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए ताकि आपकी जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आए तो उसमें करप्शन और ये तमाम जो नेगेटिविटी है इसके चांस ही ना रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको गवर्नमेंट को चाहिए कि फोकस करें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के पर, उनको चाहिए कि तमाम बाकी जो चीज़ें हैं उनकी लेजिस्लेशन पे ये फोकस करें इंस्टेड ऑफ वो आइडेंटिफाई लोगों को जो है करप्शन के लिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो जो करप्शन वाले हैं वो ये हुकूमत को गिराने पे चल रहे हैं और मुल्क को ऑटो पे छोड़ा हुआ है, मुल्क ऑटो पे चल रहा है। ठीक है, मुल्क ऑटो पे चल रहा है। डॉक्टर निसार चीमा साहब, हमारे दोनों पैनलिस्ट ये कह रहे हैं कि आपको एक तो पीडीएम इत्तेहाद से आपने जाना चाहिए था आपको जीबी इलेक्शन में, और दूसरा ये है कि हुकूमत तो गरीब आवाम की का जीना उन्होंने मुश्किल कर दिया है, लेकिन पीडीएम इत्तेहाद में आम आवाम के लिए कुछ नहीं रखा, आप एजेंडे में ही शामिल नहीं है आम आवाम। ये देखिए, ये अपने नायली और बदनामी जो है इसके मलबे हमेशा पिछली हुकूमत पे उन्होंने डालते रहना है, और ये है कि इनका फिर मैं कहूँगा कि देखिए पीडीएम, पहली बात यह गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मैं ये गुजारिश करता जरूर कि पीडीएम जो है वो अभी इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, क्या ये है कि वहाँ पे इकट्ठे जाके इलेक्शन लड़ना चाहिए, मुमकिन है कि अगले इलेक्शन में ये भी सूरत आप बन जाए, लेकिन अभी कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। अभी तो ये है कि इनसे जान छुड़ाने के लिए मुल्क में कानूनी कानून की हकीकत तो चीमा साहब जान छुटेगी, और सर जान छुटती तो नजर नहीं आ रही। नहीं छुटते नहीं आई, इनके करतूत भी वैसे काफी हैं, इनको ये किसी मुंसर अपोजिशन की जरूरत ही नहीं है, जो खुद कफील है अपनी तबाही के हवाले से, अपने जवाल के हवाले से। अच्छा, आवाम के साथ इन्होंने जुल्म किया है, आपके क्या समझते हैं कि ये चल पाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। इनके करतूत ही ऐसे नहीं है कि ये ज्यादा देर तक निकाल सके, आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। मैं आपको बताऊँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि आपके जो जलसे जुलूस हैं उसकी वजह से इनको सांस ऑक्सीजन मिल रही है, इस वजह से ये मजीद सरवाइव कर जाएंगे। खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिस तरह का झुकाव है उससे लग ये रहा है कि ये 5 साल पूरे करेंगे। या अगर इनको ऑक्सीजन मिल रही है तो इनकी टांगे क्यों काम रही है, ये किस तरह की ऑक्सीजन है कि जिसकी वजह से? अब चीमा साहब ये तो नहीं पता टांगे किसकी काम रही है, ये तो फिर बात दूर तरक चली जाएगी कि टांगे किसकी कांपी, कहाँ कांपी, कब कांपी। नहीं नहीं, बिल्कुल की टांगे कांप रही है, बिल्कुल कांप रही है। मैं आपको बताऊँ, पीडीएम जब से वजूद में आई है उस वक्त से ये है कि इनका जीवन जीना मुश्किल हो गया। चीमा साहब, आवाम आवाम का तो पूरा जिस्म कांप रहा है, आप सिर्फ टांगों की बात कर रहे हैं। ये सही बात है, आवाम का 22 करोड़ आवाम का तो ये जब से ये हुकूमत मुसलत हुई है अजाब की शक्ल में, आवाम की तो वक्त की पूरा जिस्म कांप रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर निसार चीमा साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, और मिर्जा आलम बेग साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर फजी हमीद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त आपकी तरजीहात में होना चाहिए, और जीबी इलेक्शंस सिर्फ आप उन आम गरीब आवाम को आज जाके पागल बना रहे हैं, और सबसे पढ़ा लिखा एरिया है वो, और वहाँ पे आप उनको नए सूबे का लॉलीपॉप दे रहे हैं। 100 दिन में जो आपने जनूबी पंजाब का सूबा बनाना था उसका क्या हुआ, और बाकी जो आपने वादे किए थे उनका क्या हुआ, जब वादे पूरे नहीं हो सके, और गिलगित बल्तिस्तान वालों के वादे उनको सूबा कौन देगा। ये एक इलेक्शन स्टंट तो हो सकता है, लेकिन हमें प्रैक्टिकल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त मुल्क में सियासी अफरा तफरी बिल्कुल है, लेकिन आम आवाम का आपको ख्याल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हुकूमत कह रही है कि अपोजिशन की टांगें कांप रही हैं, और अपोजिशन ये कह रही है कि हुकूमत की टांगें कांप रही है, लेकिन असल में दर हकीकत आम आवाम कांप रहे हैं और उनके पूरा जिस्म कांप रहा है, चूँकि गुर्बत बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया आम आवाम का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।